शिमला ग्रामीण से भाजपा के युवा नेता रवि मेहता को सरकार द्वारा कैलाश फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे शिमला ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। शिमला में कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष रवि मेहता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर रवि मेहता ने अपने संबोधन में कहा कि वे अपनी जिम्मेवारी को बखूबी से निभाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रवि मेहता को बधाई दी और कहा कि वे कैलाश फेडरेशन को मजबूत करेंगे और सभी साथियों को साथ लेकर चलेंगे। और कैलाश फेडरेशन के रूप में जो जिम्मेवारी और दायित्व प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सत्ती जी और ऐसे ही प्रदेश के नेतृत्व की ओर से जो हुआ है, उसमें भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने आप सभी की ओर से इन महानुभावों को बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कैलाश फेडरेशन का तो ज्यादा वृत्त नहीं बोल पाऊंगा, परंतु इतना मालूम है कि आजादी से भी पहले कोई हिमाचल की फेडरेशन थी तो यह कैलाश फेडरेशन थी। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर जो प्रोड्यूस है, उनको ट्रांसपोर्टेशन मिलना, उनके माल को अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में और प्रदेश की मंडियों से बाहर ले जाकर के अन्य प्रदेशों में भेजना, आलू का बीज उपलब्ध कराना और आलू को भी उसको ठीक दाम मिले, तो आलू है चाहे सेब है चाहे टोमेटो है चाहे पोटैटो है, उस भाव को लेकर करके कैलाश फेडरेशन काम करती रही। जो दायित्व हमारे समक्ष में पूरे जो हमारे नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं और इलेक्टेड डायरेक्टर जो 10 टीम मेरे साथ में आई है, हम मिल करके इस कैलाश फेडरेशन को फिर से उस बुलंदियों पर पहुंचाएं, ऐसा आशीर्वाद आप लोगों की ओर से रमानिया और देश नेतृत्व की ओर से मिलता रहेगा।